देश में वन्यजीव अंगों की अवैध तस्करी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ऐसा ही मामला उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के पुरोला थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक तस्कर को दो लेपर्ड की खालों के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसटीएफ एसपी चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड एसटीएफ को डब्ल्यूसीसीबी दिल्ली से सूचना प्राप्त हुई थी कि पुरोला उत्तरकाशी क्षेत्र में वन्य जीव जंतुओं के अंगों तथा खाल की अवैध तस्करी हो रही है, जिसके बाद एसटीएफ ने ब्रजमोहन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि उत्तरकाशी का ही रहने वाला था, जिसके कब्जे से दो लेपर्ड की खाल जिसकी लंबाई 6 फीट तथा 8 फीट पाई गई है। उत्तराखंड एसटीएफ को कल एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें एक वन्यजीव तस्कर जो ब्रजमोहन सिंह पुत्र जनक सिंह ग्राम गंगूर उत्तरकाशी का रहने वाला है, और इसकी जो इसके कब्जे से दो लेपर्ड स्किन बरामद हुई हैं, जिसकी लंबाई 6 फीट और 8 फीट है, और ये इसको बेचने जा रहा था। तो दिल्ली डब्ल्यूसीसीबी की टीम के द्वारा जो इनपुट दिया गया था, उसी को हमने डेवलप किया और इसमें दो खालें इसे बरामद हुई। अभियुक्त के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत थाना पुरोला उत्तरकाशी में अभियुक्त पंजीकृत कर और इसकी गिरफ्तारी की गई है, और अब माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।